तो ये है अगारो का स्टैंड मिक्सर, जिसमें आपको हैंड बीटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और क्रीम आपकी ऑटोमेटिक खुद ही बन जाएगी। तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि कितनी परफेक्टली मेरी क्रीम बन रही है बिना हाथ लगाए। तो फ्रेंड्स चलिए दिखाते हैं आपको। तो फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया और ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया है स्टैंड मिक्सर। इतने दिन से मैं खुद ही हैंड बीटर से बना रही थी और मैं बहुत खुश थी कि मेरा स्टैंड मिक्सर आ गया। तो अब मैं जितने चाहे उतने ऑर्डर्स ले सकती हूँ, मेरी क्रीम भी फटाफट से बन जाएगी और मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं बहुत खुश थी, आप खुद ही मेरी खुशी देख सकते हैं कि मेरी फाइनली मशीन आ गई थी। तो फटाफट से इसको ओपन करते हैं और मैं सारी चीज़ें बताने वाली कि इसको कैसे यूज़ करते क्या करते हैं। जैसे मशीन आई मैं तो इतनी खुश हो गई थी और फटाफट से मैं आ गई इसको अनबॉक्स करने और मैंने सोचा चलिए इसके वीडियोस भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देख सकते हैं मैं इसको ओपन कर रही थी, अब मेरा स्टैंड मिक्सर आ गया है। तो हैंड बीटर की तो आज से बाय बाय और मैं जितने चाहे उतने ऑर्डर्स ले सकती हूँ। मैं कभी कभी हैंड बीटर की वजह से बहुत सारे मना कर देती थी, तो अब फाइनली मैं सारे ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो ये देखिए चलिए फटाफट से इसको निकालते हैं। मैं कैसे निकालूं क्योंकि कैमरा फिर छुप रहा था, क्या करूं। तो मैंने फिर इसको ये देखिए चेल किया और फिर धीरे धीरे से इसे निकालेंगे। ये देखिए फाइनली मेरी मशीन निकल गई और इतनी अच्छी इसकी पैकिंग हुई थी, आप खुद ही देख सकते कि कुछ भी ख़राब वगैरह ना। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इस तरीके की बुकलेट रहती है उससे समझ सकते हैं। एक दो दिन तो मुझे खुद नहीं समझ में आया कि इसको कैसे यूज़ करना है, पर धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ गई थी। और ये देखिए आप चाहें अगर बैटर भी बनाना तो भी बना सकते, आटा वगैरह भी गूंथ सकते। और मम्मी के लिए भी बहुत आराम हो गई क्योंकि जो वो मलाई का मक्खन निकालती हैं वो भी इसे आसानी से निकल जाने वाला है। सारी सबकी मेहनत बच गई और मैं बहुत खुश थी। ये देखिए फाइनली मेरी मशीन और ये नीचे से चिपक रही थी, ये देखिए। और ये देखिए एक बड़ा सा कप जैसे रहता है ना स्टील का, उस तरीके से इसमें जो हमारी क्रीम बनाने वाला था वो था। और ये देखिए मैं फटाफट से रिमूव कर, और सारी चीज़ों की पैकिंग भाई बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत बढ़िया थी। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था इसको पहले कैसे कहाँ से क्या करना है और ये निकलेगा कैसे, तो समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे खुद एक दिन बाद समझ में आई सारी चीज़ें कि कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे क्या करना है। तो और ये देखिए इसके ऊपर ढक्कन रैप करने वाला और ये आटा वाला है। तो इसके साथ कई सारे थे, आप ये देखिए एक तो इसके अंदर पड़ा था क्योंकि ये निकल नहीं रहा था, ये हमारा क्रीम वाला है। तो ये देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया से मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। तो चलिए फटाफट से दिखाते हैं कि इसको कैसे क्या करना रहेगा। तो सबसे पहले तो जो ये हमारा एक साइड में फंक्शन दिया, जब इसको आप नॉक करेंगे तब ये आपका कप निकल के आएगा बाहर। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको निकाल लिया है और अब आप ऐसे इसको पहले तो क्रीम को अपने मिक्स कर लेना है। और मैं आज सनवाइप्स की क्रीम यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए इसको भी कैसे ओपन करते हैं क्रीम को, वो भी आप देख सकते हैं। फिर फटाफट से ये देखिए मैंने कप के अंदर डाल दिया और यही कंसिस्टेंसी में आपको क्रीम चाहिए होगी, एकदम लिक्विड कंसिस्टेंसी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बर्फ़ जमी हो या एक्स्ट्रा मेल्ट हो, एकदम रूम टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने क्रीम निकाल ली। आज मैं सब कुछ आपको फुल वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे क्रीम बनाते हैं। और फिर चलिए फटाफट से ये रहा मेरा स्टैंड और ऐसे इसको ओपन करते हैं। फिर ये हमारा कप लगाने वाला भी एक इसके अंदर साँचा रहता है, उसके अंदर बहुत आसानी से ये सेट हो जाता है। तो ये देखिए ये सेट हो गया अंदर। और फिर जो क्रीम वाला टूल्स है तो वो ये टूल्स है क्योंकि ये राउंड राउंड सारे तरफ होके क्रीम हमारी परफेक्टली बना के देता है। तो ये देखिए
मैंने इसको भी सेट कर दिया और फंक्शन ओपन हो गया। और ये देखिए मैंने ऑटोमेटिक लगा दिया और ये क्रीम खुद बन रही है। आप खुद देख सकते हैं कि चारों तरफ राउंड हो के परफेक्टली तरीके से ये क्रीम बन रही थी। और आप देख सकते हैं ना, आप चाहे आप 2 पैकेट एक साथ आराम से इसमें बना सकते हैं। और ये मैं 1 केजी केक के लिए क्रीम बना रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑर्डर मशीन के बाद 1 केजी केक का ही था, तो मैं सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी में क्रीम बना रही थी। और सबसे पहले आप इसको स्लो स्पीड पे कीजिए, फिर आप इसको थोड़ा फास्ट स्पीड पे कर सकते हैं। तो ये देखिए अपने आप ये राउंड राउंड घूम रही थी और फिर मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे किया, तो अब आप खुद देख सकते हैं कि क्रीम हमारी एकदम डबल क्वांटिटी में हो गई है। ये देखिए कितने इजीली तरीके से ये बन पा रही थी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप ये यूज़फुल रहा होगा। बाय बाय फ्रेंड्स।